जय हिंद। स्वागत है आप सब का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 मार्च 2024 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपकी इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पर्वत और चोटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, -55 और -35 बिल्कुल मैथ का बेसिक हलवा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा -90। अगला क्वेश्चन हिंदी से है कि परिजन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो आंसर होगा परी, यानी कि उत्तर क्या होगा, परी। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से, महात्मा गांधी को किस ट्रेन स्टेशन से फेंक दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा पिट्स मार्टिनबर्ग, जो आपके साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन है वहीं से इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये आपकी इंडियन क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन है। और अगला आपका क्वेश्चन है, बैल से कौन खेत को जोतता है। इसका जो आंसर होगा किसान। अगला क्वेश्चन है आपकी जो कांग्रेस है उससे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन जनगणना से है। देखिए, जनगणना से दो प्रश्न आए थे। ये पहला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। एक और जनगणना से क्वेश्चन था, आगे देखेंगे। आपकी बिहार के पश्चिम में कौन से राज्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके जो पश्चिम में है कौन सा, उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और इसके उत्तर में दक्षिण में कौन सा है, झारखंड। और उत्तर में नेपाल। अगला क्वेश्चन जनगणना से ही है कि 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 919 होगा। जनगणना हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है, किसी वस्तु को 2400 में बेचकर 20% लाभ लिया गया तो इसका क्रय मूल्य होगा। आपकी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, यानी कि 120 यूनिट का दाम दिया है 2400 रुपया। तो एक यूनिट का दाम हो गया 20 रुपया। तो हमसे 100 यूनिट का दाम पूछा है, तो 100 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 2000 रुपया, यानी कि 2000 इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नरम है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन बी पत्थर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलग है। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी सुनीता विलियम, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। बाकी जो तीन है, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम और कल्पना चावला, यह एक अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन बछेंद्री पाल क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एक महिला है। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से है कि 160 की वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि आपका सीपी दिया हुआ है 160 रुपए और बोल रहा है 15% लाभ, यानी कि 23/20, 20 यूनिट का दाम दिया हुआ है 160। तो एक यूनिट का दाम होगा 8 यूनिट। तो हमसे पूछा है 23 यूनिट का, यानी कि कितना हो जाएगा, 184 रुपया। इसका जो सही आंसर होगा 184। मैथ का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन, 16 और 64 का मौसम क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा 16 और 64 का मौसम पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 16 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है त्रिभुज से, किसी त्रिभुज के दो कोण 55° और 45° है, तो तीसरे कोण कितना होंगे। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का माप होता है 180 डिग्री,
यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, उसमें से आपके दिया है 55 डिग्री और 45 डिग्री, तो कोण सी का मान निकल जाएगा, कोण सी का मान 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा 100 डिग्री, नहीं 100 डिग्री नहीं, 5 5 10 और 4 80 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, 100 में से कितना घटाया जाए कि 62 प्राप्त हो, ये भी बिल्कुल मैथ के हलवा क्वेश्चन है कि 100 में से कितना घटाया जाए कि 62 प्राप्त हो, तो कितना 38। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दाते एलिगरली। और अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ था, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था आपके 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में दो गद्यांश थे और दोनों गद्यांश से आपके 15 प्रश्न आए थे, यानी कि जो हिंदी थे उसमें दो को गद्यांश था और दोनों से 15 क्वेश्चन आए हुए था, और ऊपर हमने देखा था कि परिजन में कौन सा उपसर्ग है, और 8 जो थे अंग्रेजी से प्रश्न थे, इंग्लिश से 8 प्रश्न थे, जिसमें आपकी 3 प्रश्न टेंस से थे और 4 जो प्रश्न थे नरेशन से थे, और बाकी 1 प्रश्न के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि किससे था। तो चलिए आज जो था, आज की परीक्षा में जितना आया हुआ हम लोग लगभग उसके बारे में देख लिए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।